नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक हैं और बेस्ट पॉसिबल ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या दिखेगा, और साथ में ही एक बेस्ट ब्रेकआउट ट्रेड जो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बेटर ट्रेड करते दिख सकता है। गुरु, मैं कई बार आपसे ये बात कह चुका हूँ कि देयर इज नो कंपल्सन टू ट्रेड ईच एंड एवरी डे, और वो जो दिन है वो आज ही है। मैं जानता हूँ आज आप में से बहुत सारे लोग कॉल और पुट दोनों ही ट्रेड में लॉस बुक करे होंगे, और अमूमन ये ऐसा होता है जब बाजार एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होकर के क्लोज हो जाए। आज का दिन डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। आज ऑप्शन सेलर का दिन था, बायर्स अच्छे खासे पैसे गवाए होंगे। क्या आपने आज के एक्सपायरी में बड़े लॉसेस के शिकार हुए या छोटे लॉसेस में ही आपने अपने पोजीशन काट दिए, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। कल के बेस्ट पॉसिबल ट्रेड को समझें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट चाहें तो ओपन करें। और अभी भी आपको लगता है कि आप लॉस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार के बेसिक्स के अंडरस्टैंडिंग का मिसिंग होना, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना, कौन से स्ट्राइक प्राइस लें, कब नहीं लें। मैं ये कहता हूँ ट्रेड कब लेना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि कब नहीं लेना है। तो आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। बिल्कुल आसान भाषा में मैं कोशिश करूँगा, जितना एनालिसिस मैं कर पाता हूँ उतना ही एनालिसिस आपको भी सिखा दूँ। तो अब आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले निफ्टी के ट्रेंड को समझेंगे कि आखिर निफ्टी के आज के क्या ट्रेंड रहे और कल के बेस्ट पॉसिबल ट्रेड क्या दिख सकता है। सिंपली देखें तो ये 5 मिनट का चार्ट है। हमने क्या कहा, अगर निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो 23,420 के लेवल के ऊपर जाने दो। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है और नीचे ये मल्टीपल सपोर्ट है, और ये पूरा रेंज में ही कंसोलिडेट होते हुए दिखा, जिसके कारण मैक्सिमम कॉल और पुट दोनों ही जीरो होते दिखे। ऐसे में इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी तरफ के रेंज को ब्रेकआउट करने दें या फिर ऊपर के कॉल को सेल कर दें, नीचे के पुट को सेल कर दें, और ऐसे में दोनों तरफ 5, 10, 15 पॉइंट के जो भी एसएल हैं वो ले लें, क्योंकि अगर एक हिट भी हुआ तो दूसरा बड़ा जैकपॉट ट्रेड आपका बन सकता है। ऐसे में कॉल या पुट लेने से आपको बचना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में देखेंगे तो आज ऑल टाइम हाई के लेवल को अगेन निफ्टी ने टच करा, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहा और क्लोजिंग लोअर साइड के आसपास भी दिखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर है, तो ये अच्छी बात है, और इस प्रकार से बाजार कल के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि निफ्टी के क्या पॉसिबल ट्रेंड दिख रहा है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा, निफ्टी के अभी भी जो ट्रेंड हैं वो हायर हाई हायर लो का ट्रेंड है, और आज एक रेंज में कंसोलिडेट होते दिखा है। तो ये चीज याद रखें, कल के लिए ये पूरा ही रेंज नो ट्रेडिंग रेंज होगा। इस बीच में अगर खुले तो कौशन बरतें और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें। अगर मान लीजिए ऊपर के तरफ, मान लेते हैं कि ऊपर के तरफ 23,420 को ब्रेकआउट करती है, तो फिर पोटेंशियल पहला टारगेट, पहला 23,460 और 80 के बीच का पहला टारगेट आएगा। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, पहला टारगेट तो यही होगा, ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 23,540 आएगा, और उसके बाद 23,600 प्लस तक के लेवल्स भी ऊपर के तरफ दिखेंगे। और नीचे के लिए जो रिवर्सल का सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट कॉल वाले के लिए 23,340 और दूसरा सपोर्ट 23,260, ये रिवर्सल का सपोर्ट और ये ट्रेंड के आइडेंटिफाई लेवल ब्रेकआउट का ट्रेंड। और इस चीज को याद रखें, इन बिटवीन इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड लेने से बचेंगे। या तो गैप अप खुले, और गैप अप खुले तो या तो इस ब्रेकआउट पे लेंगे या इस रिट्रेसमेंट पे लेंगे, या फिर इस रेंज में खुले तो इसके ब्रेकआउट पे लेंगे, तो सिंपली कॉल के हैं। या फिर ये यहां से तोड़ दें तो पहले 300-320 के रिवर्सल और फिर 260 के रिवर्सल को फाइंड आउट करेंगे। पुट के ट्रेड कहाँ लेने चाहिए, पुट के लिए जो पहला ये एक ट्रेंड लाइन है सिंपल, और दूसरा ये एक कंसोलिडेट लाइन है, तो
इम्पोर्टेंट है, अगर इस कंसोलिडेट लाइन में खुलता है तो इम्पोर्टेंट है इस जोन को टूटने देना, जो कि 23,340 है। इस रेंज का टूटना इम्पोर्टेंट है, कब? जब ये इस रेंज में कहीं खुले तब। अगर ये लेवल टूटा तो पहला 23,300 का लेवल, पहला टारगेट हमारा ये वाला कहीं आएगा। दूसरा जो आएगा वो 23,260 का आएगा, और तीसरा जो है 23,180 से लेकर के 120 तक का लेवल दिख सकता है। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये पहला ट्रेंड लाइन और दूसरा ये सपोर्ट लाइन, ये डबल ब्रेकडाउन है। इसके बाद सेवियर सेलिंग करके ये वाला जोन भी आपको दिख सकता है। और रिवर्सल के लिए, कॉल वालों के लिए पहला रिवर्सल जो है 23,460 ये पहला रिवर्सल आज का हाई, और दूसरा 23,560 दूसरा रिवर्सल। ये दो रिवर्सल पुट के ट्रेड के लिए होगा। आई होप कि आप सिंपली समझ पा रहे हैं। अगर रेंज ट्रेंड ओपनिंग हो इन बिटवीन 420 से लेकर के 360, ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर खुल के इसको ब्रेकडाउन नहीं करे तो प्रोबेबली कॉल में जाएंगे, और इसके नीचे खुल के इसको ब्रेकआउट नहीं करे तो प्रोबेबली पुट में आएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर ऐसे में बड़ा गैप अप यहाँ पे हो जाता है तो प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट का वेट करें, या फिर ऐसे में ब्रेकडाउन और फिर ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 9:15 टू 10 AM जो सेफ ट्रेडर हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ गैप डाउन खुले, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रिवर्स करे फिर ब्रेकडाउन करे। तो इसीलिए अगर बाजार ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन से खुले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, प्राइस एक्शन को फॉलो करें, उसके बाद ट्रेड लेंगे बजाय की डायरेक्टली ट्रेड लेने से। अब जो है बैंक निफ्टी के ट्रेंड को समझेंगे। बैंक निफ्टी पहले डेली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी जो है वो कमजोर दिख रहा है। निफ्टी कल कमजोर दिख रहा था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग, आज बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस डे के लो के नीचे की क्लोजिंग रही, तो बैंक निफ्टी आज अर्ली मॉर्निंग से ही वीक रहा है। अब बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, सेम एज इट इज जो हमने निफ्टी में डिस्कशन करा। ये वाला एक ट्रेंड लाइन है जिसको कंटिन्यूस नीचे की तरफ रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये वाला एक ट्रेंड लाइन है जिसको ऊपर की तरफ, ये फॉल्स ब्रेकआउट रहा था, लेकिन देखेंगे कंटिन्यूस यहाँ से रेजिस्टेंस, और यहाँ से देखेंगे तो सपोर्ट बनते दिख रहा है। आज अगेन यहीं से सपोर्ट लिया है। अब सिंपली क्या देखना है इस जोन में, ये वाला जो लेवल है ये पूरा कंसोलिडेट जोन है, ठीक है। ऊपर के तरफ देखेंगे तो 50,000 और नीचे के तरफ ये, तो अगर पुट के ट्रेड, ये मतलब इसका मतलब ये है कि इस जोन में ट्रेड लेना ही नहीं है। इस जोन में अगर कंसोलिडेट खुले ट्रेड नहीं लेना है। अगर हमको ट्रेड लेना है तो 49,700 के नीचे ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर ये ट्रेंड मिला तो पहला टारगेट हमारा 49,560 का आएगा, दूसरा 49,420 का आएगा, और इसके बाद की अगर ट्रेंड को देखें, तो ये वाला जो लेवल जहां से ये डब्ल्यू बना करके गया था, यानी 49,200 और 49,000 तक के लेवल्स भी दिख सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, 700 के नीचे ही पुट को ट्रेंड लेंगे, क्योंकि यहाँ एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और दूसरा ये हायर हाई हायर लो के सपोर्ट का ब्रेकडाउन, डबल ब्रेकडाउन मिलेगा। और रिवर्सल के लिए पहला रिवर्सल 50,100 से लेकर के 50,200 पहला रिवर्सल, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया फिर तो 50,600-700 के पास ही रिवर्सल का सोचेंगे। लेकिन ऐसे सिनेरियो में कॉल के ट्रेड कैसे करने हैं, तो पहला तो जैसा कि मैंने दिखाया ये तो पूरा ट्रेंड लाइन हो गया। इस ट्रेंड लाइन में आज के जो रेजिस्टेंस रहे जहां से ब्रेकडाउन हुआ, ये पूरा ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये 700 को तोड़ा तो निगेटिव है। तो यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ये 50,020 को ब्रेकडाउन करे तो समझो कॉल का बड़ा ट्रेंड फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पहला टारगेट 50,200
200 का आएगा, ये वाला जहां से आज ब्रेक डाउन हुआ यहां देखेंगे ये वाला आएगा। दूसरा टारगेट आएगा 58,440, और क्योंकि इसके बाद तो बड़ा ब्रेकआउट है, यहां पे देखेंगे तो मल्टीपल ब्रेक डाउन रहा 1, 2, 3, इसके ऊपर 200 पॉइंट इजिली मिल सकता है, और इसके बाद 50,622,800 यानी ये लेवल टूटा, मतलब ये 51,200 तक के लेवल्स भी दिख सकता है, इसको भी सिंपली समझेंगे। और नीचे रिवर्सल, पहला रिवर्सल जो है ये वाला लेवल देखेंगे 4,952,560, पहला कॉल का रिवर्सल, और दूसरा रिवर्सल देखेंगे तो 48,000, दूसरा रिवर्सल 48,900 के आसपास और 49,000 का, ये सिंपल जो है हमारा रिवर्सल का जोन होगा। एक स्टॉक जो मैं आपको कहूंगा वो है क्लीन साइंस एंड टेक, बिल्कुल नज़र बना लें वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो, वैसे तो ये पूरा कंसोलिडेट जोन ही रहा है, पूरा कंसोलिडेट जोन, लेकिन ये सपोर्ट से एक हैमर कैंडल बना और ये एक रेंज बाउंड में दिख रहा है, यानी यहाँ से ब्रेकआउट पोटेंशियली देखेंगे तो ये दो टारगेट आपको दिखा सकता है, पहला 1600 और दूसरा 2000। तो इस स्टॉक को मुझे लगता है कि इस समय बिल्कुल रडार पे लिया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दोस्तों में जरूर शेयर करें अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो, थैंक यू।